करती है, पुलिस को आगे करती है। उद्धव सरकार हाय 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 हाय। उद्धव सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। उद्धव सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। उद्धव सरकार डरती है, पुलिस को। आप सब जानते हो कि गए एक डेढ़ महीने से पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से ठाकरे सरकार एक तरह से अत्याचार कर रही है, उसी को लेकर आज हमने एक ये आंदोलन किया, क्योंकि आज जिस तरह से आर भारत के पत्रकार अर्णब गोस्वामी को इन्होंने सवेरे विदाउट एनी समन्स सवेरे 6 बजे जाके पुलिस उसको उठा के लेके आती है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? जब साधुओं की हत्या हो रही है वहाँ पे कुछ पुलिस बोल नहीं रही है, और एक पत्रकार, एक जो देश का चौथा आधार स्तंभ है, हमारा लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है, उसको बिना कुछ इसके सीधा सवेरे 6 बजे उठा के उसको पुलिस लेके जाती है। इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमने आज ये मोर्चा निकाला है। सर, क्या मांगे सरकार की, क्या मांग करना? मैं आपके माध्यम से उद्धव सरकार को पूछना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि इसके पहले आज के जो हमारे प्रधानमंत्री है, कल के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर यही विरोधियों ने, यही पत्रकारों ने जब ये किया था, ये विरोधी लोगों ने जब इतना हंगामा किया था, जब उनको खूनी तक बोला था, लेकिन उस टाइम पे हमारा प्रधानमंत्री एकदम शांत स्वभाव से आज दिन तक सुन के आया, किसी पत्रकार के कि किसी का भी अभिव्यक्ति की आजादी छीनी थी क्या? तो हम ये सरकार को पूछना चाहते हैं कि आपके विरुद्ध बोलना या विरुद्ध यानी कि जो सच्चाई है क्या जनता के सामने लाना गुनाह है क्या? आज सोशल मीडिया पे काम करने वालों के ऊपर गुनाह दाखिल किया जाता, मतलब लगाया क्या है आपने? हम सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि आपको किसने अधिकार दिया है किसी की अभिव्यक्ति छीनने का? इसलिए हम चाहते हैं कि तुरंत अर्णब गोस्वामी को रिहा किया जाए। अगर अर्णब गोस्वामी को रिहा नहीं किया गया तो क्या इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे? हमारे ऊपर गुनाह दाखिल करो, डालो हमको सबको, हम जेल भरो करेंगे। मैडम बताइए, किस वजह से आप लोगों ने आंदोलन रखा है, क्या बताएंगे? माननीय श्री अर्णब गोस्वामी जी को जिस तरीके से सुबह 6 बजे उनके घर में जबरदस्ती घुस के उठाया गया है, ये बहुत ही गलत है, इसकी मैं निंदा करती हूँ। और आज करवा चौथ का दिन छोड़ के हम सभी महिलाएं उनके समर्थन में नीचे यहाँ जमीन पे उतरे हैं कि वो जो हुआ है वो गलत हुआ है, उद्धव सरकार की धांधली इस तरीके से नहीं चलेगी। अब तो महिलाएं भी आक्रोशित हो चुकी हैं, अब महिलाओं से पूरा जग डरता है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ उद्धव सरकार को कि जिस तरीके से उन्होंने कंगना जी का घर तोड़ा, जिस तरीके से उन्होंने अर्णब गोस्वामी जी को उठाया, हिम्मत है हम सभी खड़े हैं, आके हमें भी उठा के दिखाओ। उद्धव सरकार को आपका क्या मैसेज होगा, मैसेज क्या देना? धांधली करना बंद करिए, गुंडा राज न चलाइए। मोदी सरकार जिस तरीके से चलती है, हमारे मोदी जिस गांधीवाद से चलते हैं उस रास्ते से चलिए और अच्छाई की राह पकड़िए। गुंडा राज अपने बेटे को बचाए, ये करिए वो सब मत करिए। इतना ही आपको अपनी सरकार चलानी है तो अपने बेटे में थोड़े संस्कार डालिए, जिसके लिए आज सबका मुंह बंद कराने के लिए आप जो ये कर रहे हैं, बेटी उठाओ, ये उठाओ, वो उठाओ कर रहे हैं, आप अपने बेटे में संस्कार डालिए, बाला साहब के संस्कार डालिए, आप अपने संस्कार मत डालिए। जो आज कर रहे हैं ये सिर्फ संस्कारों के कारण हो रहा है कि बेटे को बचाने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करके रखा हुआ है, जो चीज़ गलत है। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं की गई तो महिलाओं की तरफ से क्या मैसेज रहेगा, क्या करोगे आप? सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि चूड़ियों वाले हाथ बजते बहुत अच्छा है ना, तो बजाते भी बहुत अच्छा है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ उद्धव सरकार से स्पेशली।